टॉय ट्रेन नाम सुनते ही मन में एक अलग सी एक्साइटमेंट जाग उठती है। अपने नाम की ही तरह नैरो गेज में चलता फिरता जन्नत की सैर करवाने वाला ट्रेन है। इंडिया में टोटल 5 टॉय ट्रेन लाइन है जो पहाड़ी एरिया में अलग सा एक्सपीरियंस देता है। इन्हीं में से एक है कालका शिमला हिमालयन क्वीन, जिसे 1903 में ब्रिटिश के द्वारा शुरू किया गया। इसे स्टार्ट करने के पीछे मेन रीज़न ये था कि 1864 में शिमला को समर कैपिटल बना दिया गया, साथ ही ब्रिटिश इंडिया आर्मी का हेडक्वार्टर भी शिमला में ही था। आज इस टॉय ट्रेन लाइन को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है, तो आइए इसके एक सफर पर आपको भी ले चलते हैं। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और अभी जैसा आप लोगों ने पिछले वीडियो दिखाया, बता हुआ कि मैं अभी कालका स्टेशन पे हूँ। कालका जो हरियाणा स्टेट में पड़ जाता है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेशन है क्योंकि इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसका नाम है। और अभी हम लोग थोड़ी देर में टॉय ट्रेन लेकर शिमला निकलने वाले हैं। 6:20 की हमारी ट्रेन है, और इस ट्रेन का टिकट जो है आपको स्टेशन में भी मिल सकता है। स्टेशन में भी आप जनरल टिकट ले सकते हैं, और चाहे तो आप IRCTC की ऐप और उसके वेबसाइट से भी बुक कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं कैसी रहती है हमारी जर्नी। ऐसे तो पहाड़ों में ये मेरा पहला सफ़र है, और मेरे साथ मेरे दो दोस्त वसीम हैं और इधर जमशेद भी हैं। मेरे सामने पहला लुक टॉय ट्रेन का, जस्ट इसी प्लेटफॉर्म के बगल में इसका भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अभी हम लोगों ने ट्रेन छोड़ा था लास्ट ट्रेन, और ये सारे लोग इसी ट्रेन में जाने वाले। फाइनली हमारी गाड़ी आ चुकी है, और ये हमारा रहा टॉय ट्रेन लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहता है देखते हैं। और अभी इंजन इसमें ज्वाइंट हो रहा, और यहाँ पे देख लीजिए समुद्र तल से औसत ऊंचाई आप लोगों को 2154 फीट। अभी यहाँ से हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पूरा एलिवेशन गेन करेंगे पूरा। और फाइनली हमारी ट्रेन खुल चुकी है कालका स्टेशन से। 20 के 25 के एवरेज स्पीड के साथ ये ट्रेन टोटल 96 किलोमीटर की जर्नी 5.5 घंटे में पूरे करने वाली है। पूरी जर्नी में आपको जगह जगह ब्रिटिश आर्किटेक्चर देखने के लिए मिल जाएगी। इस पूरे सफ़र में हमको बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे, जो बहुत सारे कर्व्स और बहुत सारे पहाड़ों पर से होकर गुजरेंगे। ट्रेन टोटल 18 स्टेशनों एवं 108 टनल के बीच से होकर गुजरने वाली है। इस रूट का पहला स्टेशन टकसाल है, पर हमारी गाड़ी इसी स्टेशन पर नहीं रुकेगी। कहा जाता है कि ब्रिटिश के टाइम में टकसाल में सिक्के बनाने का काम किया जाता था। दोस्तों, और इस जर्नी के हम पहले स्टॉपेज कोटी में रुक चुके थे। कोटी स्टेशन ऐसे तो स्टेशन एक लोअर मिले थे, लेकिन वहाँ पे इसका स्टॉपेज नहीं था। और इसका पीछे का पूरा सीन देखिए, पूरा पहाड़ी इलाका है चारों ओर, और मौसम जैसा हम लोग ने एक्सपेक्ट किया था थोड़ी ठंडी होगी, लेकिन हमारे लिए बहुत ही सुहावना मौसम लग रहा है। Thank you.
तो गाइस अभी हम बड़ोग स्टेशन में पहुंच गए हैं। ये इस ट्रेन जर्नी का सेकंड स्टॉपेज है जहां पे अभी हम पहुंचे हैं। और इसके बारे में एक स्टोरी, अभी एक टनल पार हुआ था, ये इस रूट का सबसे बड़ा टनल है। और कहा जाता है कि बड़ोग, कैप्टन बड़ोग इस टनल के इंजीनियर थे और उन्हें जब काम मिला तो उन्होंने दोनों तरफ से इस पहाड़ की खुदाई चालू कर दी और वो बीच में फंस गए और दोनों टनल आपस में नहीं मिले, जिसके कारण उनकी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हो गई और उन पर 1 रुपये का जुर्माना लगा दिया गया, जिसके चलते उन्होंने सुसाइड भी कर लिया। और अभी हमारी गाड़ी सोलन स्टेशन पर पहुंच चुकी है और आप लोगों ने सुना ही होगा सोलन एक बहुत ही बड़ा टूरिस्टिक प्लेस भी है। और इसी के साथ हमारी गाड़ी शिमला रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी है। फाइनली हमारी शिमला में एंट्री हो चुकी है। अभी 12:30 बज गए, लगभग 5-6 घंटे की जर्नी रही और तो चलते हैं, स्टेशन से बाहर निकलते हैं। I'm not a saint, you're mad. Your sugar-coated doll is not so pure, my bad. I don't give up. You're stepping on me.